Prime Minister Narendra Modi on Sunday praised the Indian women's cricket team, saying it had captivated the country despite losing the World Cup final. The Indian team led by Mithali Raj lost to England in the World Cup final at Lords by 9 runs. In his Mann Ki Baat on radio, Modi addressed, recalling what he told the players when he met them after the World Cup. अभी पिछले दिनों हमारी बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। मुझे इसी सप्ताह उन सभी खिलाड़ी बेटियों से मिलने का मौका मिला। उनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अनुभव कर रहा था कि वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई, इसका उन पर बड़ा बोझ था। उनके चेहरे पर भी उसका दबाव था, तनाव था। उन बेटियों को मैंने कहा और मैंने मेरा एक अलग मूल्यांकन दिया। मैंने कहा, देखिए, आजकल मीडिया का जमाना ऐसा है कि अपेक्षाएं इतनी बढ़ा दी जाती हैं और जब सफलता नहीं मिलती है तो वो आक्रोश में परिवर्तित भी हो जाती है। हमने कई ऐसे खेल देखे हैं कि भारत के खिलाड़ी अगर विफल हो गए तो देश का गुस्सा उन खिलाड़ियों पर टूट पड़ता है। कुछ लोग तो मर्यादा तोड़ करके कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी चीजें लिख देते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन पहली बार हुआ कि जब हमारी बेटियां विश्व कप में सफल नहीं हो पाई तो 125 करोड़ देशवासियों ने उस पराजय को अपने कंधे पर ले लिया। जरा सा भी बोझ उन बेटियों पर नहीं पड़ने दिया। इतना ही नहीं, इन बेटियों ने जो किया उसका गुणगान किया, उनका गौरव किया। मैं इसे एक सुखद बदलाव देखता हूं और मैंने इन बेटियों को कहा कि आप देखिए, ऐसा सौभाग्य सिर्फ आप ही लोगों को मिला है। आप मन में से निकाल दीजिए कि आप सफल नहीं हुए हैं। मैं जीते या न जीते, आपने 125 करोड़ देशवासियों को जीत लिया है। Honest Report.